हेलो गाइस यार, ये हमारा फाइनल एपिसोड है पोकेमोन अल्टीमेट चैम्पियनशिप का। तो इसलिए अगर आपको सीज़न 3 चाहिए इसी चैम्पियनशिप का, तो यार लाइक एम पूरा कर देना। लाइक एम रखते हैं 2K लाइक का। अगर 2K लाइक आ गए तो इसका सीज़न 3 भी आएगा। तो यार बिना किसी देरी के हमारे लास्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे फाइनलिस्ट है एसकेचम, एजे, एलान, रेड। ये चारों है हमारे फाइनलिस्ट और पोकेमोन कंपनी वालों ने इनके बीच में मैच कराते हैं। तो हमारे मैचेस होती है एस वर्सेज एजे, और उधर हमारी मैच होती है रेड वर्सेज एलान। तो रेड वर्सेज एलान के मैच में जीत जाता है रेड, और एजे वर्सेज एस के बीच में जीत जाता है हम सबका प्यारा एस केचम। अब बच्चे हमारे दो फाइनलिस्ट, वो है हमारा प्यारा एस केचम एंड हमारा प्यारा रेड। अब इन दोनों के बीच में फाइट होएगा, और जो मैच जीत जाएगा वो बन जाएगा वर्ल्ड चैम्पियन। देखा जाए तो हमारे फर्स्ट सीजन में रेड उसका अपोनेंट था एस केचम का, उस टाइम एस केचम हार गया था। इस बार एस केचम पूरी नफरत के साथ आया है, इस बार उसको वर्ल्ड चैम्पियन बनना ही है। पिछली बार रेड जीत गया था, पर इस बार एस को जीतना है। तो ये हमारा जो बैटल होगा ना, 6-on-6 बैटल होगा, इसमें 6 पोकेमोन यूज करने हैं दोनों ट्रेनर्स को। तो बिना किसी देरी के हमारे इस मैच को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, हमारे दोनों ट्रेनर पहुंच चुके हैं स्टेडियम पर, और यार दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि दोनों फाइनल्स में हैं। और यार इन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि कौन जीतेगा और कौन बनेगा वर्ल्ड चैम्पियन। और हाँ, इसमें कोई भी लेजेंडरी पोकेमोन यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यार लेजेंडरी पोकेमोन यूज़ करेंगे और बैटल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी, और ऑडियंस को चोट भी लग सकती है। इसलिए इस मैच में कोई भी लेजेंडरी पोकेमोन यूज़ नहीं करेगा। तो सबसे पहले रेड यूज़ करता है लेप्रस को, एंड एस यूज़ करता है हेराक्रॉस को। फिर रेड यूज़ करने को बोलता है वाटर गन, एंड एस का हेराक्रॉस वाटर गन से बच जाता है। एंड फिर हेराक्रॉस यूज़ करता है मेगा हॉर्न, और लेप्रस यूज़ करती है आइस बीम। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं, और इसी के कारण हेराक्रॉस आइस में जम जाता है। पर हेराक्रॉस हार मानने को तैयार नहीं है। अचानक वो आइस से बाहर आता है और मेगा हॉर्न अटैक यूज करता है, लेप्रस को हरा देता है। और अब हमारा रेड पोकेमोन अलग यूज करेगा। अब वो यूज कर रहा है स्नोलेक्स को। स्नोलेक्स आते ही हाइपर बीम से हेराक्रॉस को हरा देता है। अब एस यूज करता है इन्फर्नेप को। एस अपने इन्फर्नेप से फ्लेम व्हील अटैक कराता है, और फ्लेम व्हील से या स्नोलेक्स को कुछ नहीं होता है, उल्टा इन्फर्नेप की ही हेल्थ कम हो जाती है। स्नोलेक्स यूज करता है अर्थक्वेक, और इन्फर्नेप जंप करता है और अर्थक्वेक से बच जाता है। अब दोनों ट्रेनर अपने पोकेमोन से पावरफुल अटैक कराते हैं। स्नोलेक्स यूज करता है हाइपर बीम, एंड इन्फर्नेप यूज करता है फायर ब्लास्ट। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं, और हो जाता है एक बड़ा सा ब्लास्ट। और हमें दिखता है कि दोनों पोकेमोन हार गए, मीन्स दोनों पोकेमोन अपने ट्रेनर के लिए बहुत ज़्यादा वफादार है, और दोनों पोकेमोन कुछ भी कर सकते हैं अपने ट्रेनर के लिए। तो ये मैच हो जाता है ड्रॉ। अब दोनों के दो दो पोकेमोन हार चुके हैं, तो अब उनको अपना स्पेशल पोकेमोन यूज़ करने होंगे। तो हमारा रेड यूज़ करता है पिकाचू, और एस यूज़ करता है पिकाचू। अब होगा पिकाचू वर्सेस पिकाचू। रेड का पिकाचू यूज करता है थंडर, और एस का पिकाचू यूज करता है वोल्ट टेकल। पर रेड के पिकाचू का हमला लग जाता है, और एस का पिकाचू थोड़ी हेल्थ डाउन हो जाती है, और एस का पिकाचू की एसपी बहुत कम हो जाती है। पर एस यूज करता है जीमू, और उस जीमू से एस जीत जाता है, और हमारा पिकाचू वापिस पोकेबॉल में चला जाता है। तो हमारा एस का पिकाचू जीत चुका है, और उसने अपने पिकाचू को वापिस पोकेबॉल में बुला लिया है। अब हमारा एस केचम स्ट्रेटेजी से खेल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसका पिकाचू बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इसलिए उसने उसके पिकाचू को वापस पोकेबॉल में बुला लिया। अब रेड यूज़ करता है विनसोर को, और एज यूज़ करता है स्केप्टाइल को। विनसोर यूज़ करता है स्लज बॉम, और स्केप्टाइल पॉइजन हो जाता है। पर स्केप्टाइल यूज़ करता है बुलेट सीड अटैक, और विनसोर को लग जाता है, और विनसोर को सोलर बीम अटैक यूज करने को बोलता है रेड। पर सोलर बीम यूज करने में थोड़ा टाइम लगता है, और विनसोर के सोलर बीम यूज करने से पहले ही स्केप्टाइल ने लीफ ब्लेड यूज कर दिया, और विनसोर को हरा दिया। इधर एस खुश हो जाता है,
पर यार इसकी खुशी ज़्यादा देर के लिए नहीं थी। उधर यार सेप्टाइल भी हार जाता है, क्योंकि यार सेप्टाइल जो पोकेमोन था ना वो पॉइजन था, पॉइजन की वजह से सेप्टाइल भी हार जाता है। तो हमारा एस कदम फिर से उदास हो जाता है, पर वो जीतने की वजह से आया है और वो जीत कर ही रहेगा। तो दोनों के पोकेमोन हार गए वापिस से। अब एस यूज करता है ग्रीन निंजा को और रेड यूज करता है ब्लास्टोइज को। ब्लास्टोइज यूज करता है हाइड्रोबम अटैक और ग्रीन निंजा आराम से बच जाता है, और बचने के बाद वाटर पल्स यूज करता है और ब्लास्टोइज को बहुत डैमेज होता है। और फिर वापस ग्रीन निंजा नाइस स्लैश यूज करता है और हरा देता है ब्लास्टोइज को। मींस यार ग्रीन निंजा ने ब्लास्टोइज को यार हमला करने का मौका भी नहीं दिया। अब आप देख सकते हो ग्रीन निंजा कितना ज़्यादा पावरफुल है। रेड की हार दिखती हुई हमको नजर आ रही है, यार रेड कुछ भी कर सकता है। अब वो अपना लास्ट पोकेमोन यूज करता है चार्जार्ड को, और चार्जार्ड को देखते ही एस अपना ग्रीन निंजा वापस बुला लेता है और भेजता है पिकाचू। और यार पिकाचू यूज करता है थंडर, फिर यार चार्जार्ड उसे बच जाता है और मेगा इवॉल्व हो जाता है। फिर वो फ्लेम थ्रोवर यूज करता है और पिकाचू को हरा देता है। फिर एस यूज करता है ग्रीन निंजा और ग्रीन निंजा हो जाता है बॉन्ड इवॉल्व। और उसके बाद ग्रीन निंजा यूज करता है वाटर सुरिकेन यूज करता है, पर चार्जार्ड उससे भी बच जाता है और वो चार्जार्ड यूज करता है ड्रैगन रेंज, और ड्रैगन रेंज से ग्रीन निंजा भी हार जाता है। अब एस यूज करता है चार्जार्ड और रेड के पास चार्जार्ड है ही, तो हमारा रेड का चार्जार्ड यूज करता है विंग अटैक, पर एस का चार्जार्ड बच जाता है। एस का चार्जार्ड यूज करता है ड्रैगन रेंज, और ड्रैगन रेंज से रेड का चार्जार्ड वीक हो जाता है, पर रेड का चार्जार्ड यूज करता है फायर ब्लास्ट, और फायर ब्लास्ट से एस का चार्जार्ड भी वीक हो जाता है। फिर दोनों पोकेमोन बहुत वीक हो जाते हैं, और एस का चार्जार्ड यूज करता है सेस्मिक टॉस, और सेस्मिक टॉस से रेड का चार्जार्ड को नीचे फेंक देता है, चार्जार्ड भी नीचे गिर जाता है। और अब पोकेमोन जज ने कहा है कि जो भी पोकेमोन 10 सेकंड में खड़ा हो जाएगा वो जीत जाएगा। पोकेमोन जज को बोलता है कि यार एस का चार्जार्ड वापस खड़ा हो गया है और हमारे इस चैंपियनशिप का विनर है एस केचम। तो यार मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू एस केचम। एस केचम ने फाइनली अल्टीमेट चैंपियनशिप जीत ली है। पोकेमोन एनिमी वालों ने एस को नहीं जिताया, पर यार हमारी सीरीज में एस केचम जीत ही गया है। तो यार एस केचम को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपको इसका सीजन 3 चाहिए तो आप यार लाइकिंग पूरा कर दो, लाइकें में 2K लाइक का, 2K लाइक पूरे होते ही मैं सीजन 3 लाऊंगा और उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यार आज के लिए इतनी था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।